विधानसभा चुनाव से करीब 6 महीने पहले योगी सरकार का दूसरी बार कैबिनेट विस्तार हुआ। 7 नए मंत्रियों ने शपथ ली। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए जितिन प्रसाद ने सबसे पहले शपथ ली। वे कैबिनेट मंत्री होंगे, बाकी 6 राज्य मंत्री होंगे। नए मंत्रियों में 3 ओबीसी, 2 दलित, 1 एसटी और 1 ब्राह्मण चेहरा है। चुनाव से पहले सरकार का यह आखिरी विस्तार है। अब योगी कैबिनेट में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 60 हो गई है। इन 7 चेहरों ने ली शपथ। पहला जितिन प्रसाद, जो कि ब्राह्मण है। सबसे पहले जितिन प्रसाद ने शपथ ली। वे कैबिनेट मंत्री बने 3 महीने पहले। वे कांग्रेस से भाजपा में आए थे। पहली बार वे 204 में अपने गृह क्षेत्र शाहजहांपुर से लोकसभा चुनाव जीते थे। दूसरा छत्रसाल गंगवार, जो कि कुर्मी है। ये बरेली के बहेड़ी से विधायक है। कुर्मी समाज से आते हैं। उम्र 65 साल है। रुहेलखंड क्षेत्र को कवर करेंगे। तीसरा बलराम, जो कि दलित में आते हैं। तीसरे नंबर पर शपथ ली। ये बलरामपुर से आते हैं। 2017 में पहली बार जीते थे। दलित समुदाय से आते हैं। चौथी संगीता बिंद, जो कि ओबीसी से है। चौथे नंबर पर शपथ ली गई। पहली बार विधायक चुनी गई है। 42 साल उम्र है। पिछड़ी जाति से आती है। गाजीपुर सदर सीट से आती है। छात्र राजनीति भी की है। पांचवा संजीव कुमार, अनुसूचित जनजाति से आते हैं। सोनभद्र के ओबरा सीट से विधायक है। ये अनुसूचित जनजाति मोर्चा के अध्यक्ष हैं। आदिवासी समुदाय से आते हैं। छठा दिनेश खटिक, जो कि एससी में आते हैं। छठे नंबर पर शपथ ली। मेरठ के हसनापुर सीट के विधायक हैं। खटिक सोनकर समाज से आते हैं। दलित समुदाय से आते हैं। पश्चिम यूपी से मंत्री बने हैं। सातवा धर्मवीर प्रजापति, जो कि ओबीसी से आते हैं। सबसे आखिर में शपथ ली। धर्मवीर प्रजापति हाथरस से आते हैं। विधायक परिषद सदस्य है। 2021 में विधान परिषद में पहुंचे थे। माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। इससे पहले राज्यपाल आनंदीबेन पटेल दोपहर 1:15 बजे गुजरात से लखनऊ राजभवन पहुंची। इसके बाद दोपहर 2 बजे एक हाई लेवल मीटिंग हुई। इसमें कैबिनेट विस्तार की अधिकारिक घोषणा की गई। सीएम योगी अपने आवास से राजभवन पहुंच गए हैं। शपथ समारोह का कार्यक्रम करीब आधे घंटे चला। भाजपा ने कैबिनेट विस्तार से पहले 4 एमएलसी के नाम तय कर दिए हैं। इसमें जितिन प्रसाद, डॉक्टर संजय निषाद, गोपाल अंजान और वीरेंद्र गुर्जर के नाम शामिल है। यूपी भाजपा के उपाध्यक्ष के एके शर्मा, पूर्व राज्यपाल और 5 दिन पहले राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनी बेबी रानी मौर्य और संजय निषाद को मंत्री नहीं बनाया गया है। वहीं विपक्षी दल समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि इन 7 मंत्रियों को जातिगत आधार पर मतदाताओं के बीच संदेश देने की कोशिश की गई है कि विभिन्न जातियों के मंत्रियों का पद देकर नाराज ब्राह्मण मतदाताओं की नाराजगी को खत्म करने की कोशिश की गई। लेकिन यूपी के मतदाताओं को बीजेपी की यह चाल खूब समझ गई है।